बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपना नामांकन भर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से नामांकन भरा है। नामांकन के समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन के समय पार्टी के कई बड़े नेता सीएम के साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम खट्टर ने जनसभा को संबोधित किया। नामांकन के बाद सीएम खट्टर ने जीत का दावा किया। करप्शन मुक्त शासन को बताया सरकार की बड़ी उपलब्धि। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नामांकन भर दिया है। करनाल से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। करप्शन मुक्त शासन को बड़ी उपलब्धि बताया है अपनी सरकार की। सीएम खट्टर के नामांकन के दौरान कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, इसके अलावा अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। कई बड़े चेहरे सीएम खट्टर के नामांकन के दौरान। विशेष दायित्व के कारण से मुझे प्रदेश भर में भी जाना होगा, तो यहाँ के जितने हमारे समर्थक, मतदाता, कार्यकर्ता सबने ये कहा है कि आप नामांकन पत्र भर करके चले जाइए, बाकी सारा काम हमारी पार्टी के लोग, समर्थक लोग, जितने हैं वो सब लोग करेंगे। और उसमें आसपास के बाकी लोग भी आने वाले हैं, कुछ और प्रदेशों के लोग भी आएंगे, हमारे खास करके उत्तर प्रदेश के लोग, चंडीगढ़ के लोग वो भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि जनता कहीं अधिक मतों से पहले की अपेक्षा ये आपकी जीत हमको दिलाए। टिकट आवंटन के बाद कहीं ना कहीं वर्कर्स में जो टिकट एस्पिरेंट में उनमें रिजेंटमेंट है। देखिए, रिजेंटमेंट नहीं होती है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार एक चाह जो ज्यादा बनी हुई है सारे प्रदेश में, एक अच्छा वातावरण है, और उस अच्छे वातावरण के कारण से जब पार्टी के प्रति चाह ज्यादा बनती है तो स्वाभाविक है ऐसे अवसर के ऊपर इच्छा रखने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं, सबको पता है कि एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही कार्यकर्ता, एक ही व्यक्ति प्रत्याशी होगा, बाकी सब उस प्रकार से हमारी सब बातचीत हो गई है। कहीं छोटा मोटा अगर विषय है तो हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं, और बाकी सब लोगों ने कहा है अनुशासन। जिस तरीके से ओपोजिशन ये कह रहे हैं कि जोश में, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि हमने लास्ट बॉल पे छक्का लगा दिया है चेंज करके, किस तरीके से देखते हैं ओपोजिशन को और अपने टारगेट को? देखिए, ये सारा विषय विपक्ष क्या कहता क्या नहीं उसकी चिंता नहीं है। हमारे 90 के 90 प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी इस नाते से चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता जो है वो इसका निर्णय करेगी कि वो 75 तक रुकेगी या 75 प्लस की जो बात है जो अपने जनता के जिम्मे छोड़ा है वो प्लस वाले विषय जनता आगे कहां तक।